तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है होंडा की पहली इलेक्ट्रिक कार और नाम है इसका होंडा ई। आज आपको डिटेल में समझाते हैं आपकी ऑल न्यू होंडा ई जो कि ना चिंटू मिंटू सा लुक लेके आई हुई है, लेकिन क्या इसमें खास है। 150 हॉर्स पावर की पावर है, 315 nm का टॉर्क है। भाई स्पोर्ट्स कार है या इलेक्ट्रिक कार, सब कुछ आपको समझाएंगे। और जो ऐसे यूनिक फंक्शन ऐसे डिज़ाइन लेआउट के साथ ये गाड़ी है ना, सेगमेंट में कुछ भी नहीं, और होंडा की एक तरीके से पहली गाड़ी है। प्राइसिंग आपको समझाऊंगा, क्या इंटीरियर है भाई, आप जानते हैं इसको, इंस्टाग्राम की फेमस गाड़ी है और इस तरीके की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है। आप देखिए, सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं इसके अंडर द हुड, तो क्या यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर देखिए भाई, होंडा की आपको ई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। क्या लेआउट है इसका, इंडिया में आप देखते हैं टाटा टियागो आपको इसी साइज़ की गाड़ी 12 लाख रुपए की मिल जाती है, लेकिन ये क्या चीज़ है ना, अभी समझेंगे आप। सबसे पहली बात है भाई, 150 हॉर्स पावर की पावर, 315 nm का टॉर्क जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर इस गाड़ी को देने वाली है। परफॉर्मेंस सेंस में अलग ही लेवल की चीज़ है, यूरोपियन मार्केट्स में चलती है, वहाँ की नॉर्मल एक ऑल्टो है, लेकिन यहाँ वाले बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कार है। सबसे पहले गाड़ी का डिज़ाइन आप देखो, होंडा का लोगो आप देखेंगे, DRL सेटअप देखेंगे, एक टिपिकल ना आपको वो पुरानी अपनी क्लासिक रेट्रो वाली वाइब आएगी, ऑल्टो 800 वाली, एम्बेसडर वाली, वैसे ही गुड डिज़ाइन में यहाँ पर होंडा ने अपना इमोशन एक्सप्रेस करा है। ये देखेंगे इनका पूरा आप इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, इसको इंजन में समझना पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी है। कहीं ना कहीं 35 किलोवाट आर की आपको उसमें बैटरी मिलती है। गाड़ी की रेंज की बात करें तो यहाँ पर इसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है, जो कि प्रैक्टिकली ठीक है, लेकिन गाड़ी की टॉप स्पीड है 150 किलोमीटर पर आर। मतलब इतनी चिंटू मिंटू सी गाड़ी 150 की स्पीड से भागेगी, सोच रहे हो आप। उसके अलावा ये चीज़ मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर आपको चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, फास्ट चार्जिंग भी है भैया, और फास्ट DC का भी ऑप्शन रखा गया है। बाकी भाई होंडा का नाम है तो भाई चीज़ें देख के ना बिल्कुल खुश होने वाले हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की क्लैडिंग नहीं है, देख रहे हाइड्रोलिक स्टार्ट दिया गया है, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग के लिए भी तैयार हो जाइए। तो क्या प्राइसिंग आपको पे करनी होगी, गाड़ी की लंबाई यहाँ पर 4 मीटर से छोटी है, 3800 मिलीमीटर की लंबाई है इसकी। कहीं ना कहीं इंडिया में अगर आप देखें तो आपको इस सेगमेंट में, अगर इस साइज सेगमेंट में आप जाएंगे, साइज़ की बात होगी, आपको यहाँ पर स्विफ्ट और एक तरीके से टियागो जैसी गाड़ी है, लेकिन इसका जो अपना प्रीमियम अपील है ना वो बहुत ही ऊपर है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन जो होंडा इंडिया के बाहर दिखाता है वो सारा मेंशन किया गया, क्या कुछ इसका पूरा लेआउट है भाई। एक एक सोसाइटी में एक एक यहाँ पर चार्जर होंडा लगाई रहती है, तो ये चीज़ है। बाकी होंडा पावर चार्जर, साथ ही साथ गाड़ी का यहाँ पर आपको ADAS के फंक्शन दिए गए, तो लेन वॉच कैमरा, गाड़ी में सनरूफ का ऑप्शन है। ये आले आप देख रहे रेंज रोवर वाले भाई, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे डोर ओपन मिलेंगे। बाकी फ्रेमलेस डोर है, यानी कि होंडा ना पूरा प्रीमियम थीम देने में यहाँ पर तैयार है। गाड़ी में देखिए इस प्रकार आपको अलॉय मिलेंगे, जिस तरीके से योकोहामा के टायर दिख रहे हैं, अब ये वाले टायर नहीं जो सिलेरियो में आपको मारुति देती है, कुछ अलग लेवल के टायर है, ब्लू अर्थ ए सीरीज़ के टायर है। साइज़ की बात करेंगे इनकी, 205/55 रेडियल 16, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक है। गाड़ी में एक प्रॉपर आपको 4 सीटर का ऑप्शन दिया गया है। बाकी देख लीजिए किस प्रकार के इंटीरियर है, और बहुत ही ना ज़्यादा एक अलग लेवल की चीज़ है। कहीं भी देखो आपने यहाँ पर ORVM नहीं देखा होगा, मिरर तो है ही नहीं, सीधे सीधे ये कैमरा मॉड्यूल है, जैसे आपको रिवर्स कैमरे का मॉड्यूल मिलता है, लेकिन इसकी खास बात है ये सीधे आपको डिस्प्ले यहाँ पर स्क्रीन के अंदर देगा, जैसे इस पर यहाँ पर है उस तरीके से वहाँ पर है। और खास बात है भाई, ये गर्म भी हो रहा है, तो अच्छी खासी ना इसकी पावर कंजम्पशन है। कहीं ना कहीं इसकी कूलिंग के लिए एडिशनली यहाँ पर एक तो जो AC के वेंट दिए गए, वैसे ये इस ग्लास को डिफॉग करने के लिए कहीं ना कहीं इसको भी एक तरह से चील अप करेंगे, और इसका यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। उसके अलावा ये एक बड़ी सी आप यहाँ पर डिस्प्ले सेटअप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि यहाँ पर आपको स्पेस ही स्पेस मिले, 4000 mm से छोटी गाड़ी है तो क्या हुआ, स्पेस पूरा मिलेगा। उसके अलावा नीचे देखेंगे प्रॉपर आपको फ्लैट फोर्ट मिलेगा, उसके साथ ही गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, ये सारे ऑप्शन आप देखेंगे। अभी अंदर चल के देखते हैं, बाकी सारा आप ऑटोमेटिक का ऑप्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप एक प्रॉपर शायद वुडी लगा दी गई है, तो ये इसके सारे ऑप्शंस हैं। स्टेयरिंग को देखें तो इस प्रकार इसका प्रीमियम सा स्टेयरिंग मिलेगा। बाकी यहाँ पर IRVM में ये सारे ऑप्शन है, सनरूफ का ऑप्शन भी देख रहे हो, सनरूफ भी है भाई, तो मतलब होंडा ना करना क्या चाहता है इस गाड़ी के साथ कुछ। अगर आप यहाँ देखें तो इस तरीके से इसका पीछे का जो अपना दरवाज़ा है भाई, ये ओपन होता है, इतना कुछ यहाँ पर ही अपने सामने स्पेस आपके सामने रखेगी। बाकी गाड़ी में जो बैटरी है 35.5 किलोवाट आवर की बैटरी कहेंगे, कहीं ना कहीं 150 हॉर्स पावर बनाने के लिए अच्छी खासी पावर कंजम्पशन होगी, और जो रेंज यहाँ पर ही बता रहे ठीक है। उसके अलावा पीछे का लुक देखें तो इस प्रकार आपको पीछे का लुक, और पीछे का ये बूट ओपन होता है, करीब 171 लीटर का बूट स्पेस है, ऐसा होंडा का कहना है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से ठीक ठीक लगा मुझे। और ये देखिए अभी गाड़ी बिल्कुल ओपन कर दी है, और आपके सामने जो प्रीमियम अपील है वो भी दिख रही होगी, और जो गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी है, यूजेबिलिटी है, वो चीज़ भी दिखेगी। बाकी ये रेट्रो लुक बनाने के लिए इस तरीके के टेल लैम्प्स, नीचे देखते थोड़ी चीज़ें तो बहुत ही क्लीन सिंपल लुक है, कहीं भी स्पेयर व्हील और ये चीज़ें नहीं है, कुछ फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी ये जो सीट है भाई प्रॉपरली इस तरीके से आप उसको यहाँ पर कर दीजिए बंद, तो मैटिंग इस तरीके से आती है। बाकी पीछे दो लोगों के बैठने की स्पेस है, कहीं ना कहीं गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी भाई
इस तरीके से फोल्ड होने के बाद भी और अच्छा यहाँ पर ये आपको देगी बूट स्पेस, क्योंकि आप इस तरीके से करेंगे तो ये यहाँ पर अपना आ जाता है। और सिंपली ये कुछ क्वालिटी आपको आने वाली। अब शुरुआत करते हैं गाड़ी की डिटेल को समझने में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको होंडा ई की बैजिंग, और गाड़ी का नाम ही है होंडा ई, क्योंकि ये ना इनके स्टार्टिंग है एक तरीके से लेगेसी के तौर पे। और गाड़ी थोड़ी पास से देखें तो ऐसी दिखाई पड़ती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट, और एक चिंटू मिंटू सा अपील है इस गाड़ी के साथ। पीछे देखिए पार्किंग सेंसर किस लेवल तक यहाँ तक एक्सटेंड किए गए, क्योंकि इस प्रकार आप देखेंगे साइड का लुक गाड़ी का। 3800 मिलीमीटर की रेंज में गाड़ी, कहीं ना कहीं रेंज रोवर की तरह आपको यहाँ पर रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल मिलेंगे, और उसके अंदर अगर आपकी की बैटरी खत्म होगी तो भैया फिजिकली भी आप इसको ओपन कर पाएंगे। डोर्स का वेट काफ़ी सही है। उसके अलावा ये कैमरे का मॉड्यूल आप देखेंगे, फ्रेमलेस डोर यहाँ पर रखे गए, कुछ भी फ्रेमिंग ऐसी नहीं है। और वैसा भी नहीं है भाई जैसे ऑडी बीएमडब्ल्यू और उनमें होता है कि ये जब बंद होते हैं तो ऊपर स्लाइड हो रहा है, तो फंक्शनिंग तो भाई प्रॉपर वैसी ही है। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे होंडा ने करा तो कुछ अलग करा। देखिए पहले नीचे होगा फिर खुलेगा, और उसके बाद जब बंद हो जाएगा सील के अंदर चले जाएगा। तो ऑप्शन तो भाई सारे वही है, तो ये भी अलग रहा था भाई, फोर्ड मस्टैंग की तरह ही ऑप्शन है सारे। उसके अलावा देखिए आप प्रॉपर अभी ड्राइवर सीट की तरफ से आ गए, क्या फंक्शन है देखिए। अब यहीं से शुरुआत करते हैं आपके होंडा ई के इंटीरियर को समझने के लिए। तो यहाँ पर पूरा फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया, ये भी प्रॉपर फैब्रिक है, मतलब मटेरियल ऐसा है जो कि सस्टेनेबल है, किसी को भी हार्म नहीं किया गया, एनवायरनमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन करके नहीं बनाया गया। ये भी सारा फैब्रिक में, सब कुछ फैब्रिक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पावर सीटिंग नहीं मिलेगी, बेसिक सीटिंग दी गई है। स्टीयरिंग अपना थोड़ा सा गोल मटोल सा होंडा सिटी से हल्का सा इंस्पिरेशन लेता हो, लेकिन बढ़िया सा टू स्पोक यहाँ पर स्टीयरिंग दिया गया। साथ ही साथ ये कुछ अंदर का पूरा लेआउट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है, मैं बैठ के देख चुका हूँ। दोबारा बैठते हैं आपके लिए, यहाँ पर आपको डेड पेडल मिलेगा, पूरा ओपन यहाँ पर आपको पैसेज वे मिलने वाला है। बाकी ये कैमरे के सारी फीड आप देख ही रहे। बाकी कहानी ये है ना, अब ये है आपके सामने जो होंडा ई है उसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट, क्या शानदार लेआउट है यार, मानना पड़ेगा। मतलब होंडा ने जो गाड़ी बनाई ना, अब आप कहेंगे भाई प्राइसिंग भी बता दो, इतना कितना सस्पेंस करेंगे। अब इस गाड़ी की प्राइसिंग अगर आप यूरोप में देखते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर यूके में कहीं भी चले जाइए, कहीं ना कहीं इस गाड़ी की फाइनल प्राइसिंग 40,000 पाउंड के आसपास आ रही है। तो इंडिया में अगर आप पकड़ोगे तो 40 लाख से लेके 42 लाख रुपीज़ के आसपास, 40 से 42 लाख रुपए के रेंज में इसकी प्राइसिंग आपके सामने रहने वाली है। और उसके अलावा ये है गाड़ी का डिज़ाइन, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी आपके सामने ये 40-42 लाख रुपए की चीज़ है, और अपने आप को भाई जस्टिफाई कर रही है नहीं कर रही है आप बताइए। मेरे सेंस में तो जिसको ऐसी चिंटू मिंटू कार पसंद है बिल्कुल जस्टिफाई करिए, कहने का शहरों के हिसाब से बहुत सही है। 150 हॉर्स पावर है तो भाई अच्छी खासी एक्सेलरेशन, 0-100 की स्पीड करीब 8.5 सेकंड में, कहीं ना कहीं 315 Nm का टॉर्क, अच्छा खासा भाई टॉर्क होता है, मजाक नहीं है। यहाँ पर फुल ऑन ऑटोमेटिक एसी, उसके साथ ही ये सारे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भाई, इतनी चीज़ें ना एक दिन पूरा चाहिए इसको समझने के लिए। उसके अलावा ये सारे ऑप्शंस को उनका बटन सिंपली आप यहीं से प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने एक नेविगेशन आता है, कितना बढ़िया देख रहे हैं, थीम यहाँ पर ओपन होती है। एक चीज़ देखेंगे इस प्रकार का आपको यहाँ पर ड्राइवर क्लस्टर है, साथ ही साथ आपको सारे ADAS के फंक्शन कुछ यहाँ पर आपको जो पैडल शिफ्टर है वो नोटिस किए गए हैं, नीचे वाला जो यहाँ पर स्पोक था थर्ड स्पोक वो हटाया गया है। उसके अलावा ये फंक्शन मैंने आपको सारे बताए, आर्मरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी गाड़ी में कैबिन के स्पेस को देखें तो भाई अर्गोनॉमिक्स में तो होंडा ने टॉप मारा है, बिल्कुल हेडरूम शोल्डर रूम बिल्कुल खुला खुला है। लेकिन ये याद रखिए इंडिया में कहीं ना कहीं ये गाड़ी 45 लाख रुपए के आसपास जाएगी, जिस प्राइस में आपको फॉर्चुनर का मिड मॉडल मिलता है तो वही प्राइस में ये गाड़ी है। लेकिन भैया होंडा है भाई, 200 किलोमीटर की रेंज है, और एक तरीके से पावर परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई, और साथ ही 6.6 किलोवाट की आपको इसमें AC फास्ट चार्जरिंग मिलती है, जिससे इसकी 35 किलोवाट की जो बैटरी है, किलोवाट आर की बैटरी है, कहीं ना कहीं एक तरीके से 4-5-6 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो वो सारे इसके ऑप्शन रहे। और सबसे अलग चीज़ इसमें है कि होंडा की एक ना अपनी जो स्मूथनेस है, जो फील है, वो सब चीज़ कुछ आएगी। साथ ही साथ 150 किलोमीटर की टॉप स्पीड है गाड़ी के साथ। उसके अलावा भाई और क्या ही बताया जाए, यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल मिलने वाला है जो कि यहाँ पर आपको ADAS के फंक्शन के साथ दिए, बाकी इसमें टेल टेलीस्कोपिक ये सारे फंक्शन दे ही रहा है। अब आपको ले चलते हैं इसके सेकंड रो सीट्स में, और वहाँ भी बैठ के दिखा देते हैं जल्दी से क्या कुछ ऑप्शन वहाँ भी रखे गए। तो देखिए इनको अगर आपको खोलना है तो इस साइड प्रेस करना है, तो इस साइड प्रेस करेंगे ये ओपन होगा, और कहीं ना कहीं ये वाली जो डोर है ये सेमी फ्रेमलेस कहेंगे इसको। और इस साइड देखें तो पीछे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे सोफ़ा लगाया गया, क्योंकि पूरा फैब्रिक है ना, और ये जो प्रीमियम अपना फिनिश अपना होंडा दे पा रही है इसमें बहुत सही है। कहीं ना कहीं ये सीट अगर आप पूरी पीछे करेंगे फिर यहाँ पर जो स्पेस है 6 फुट के बंदे के हिसाब से नहीं होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल एडजस्ट ही होना पड़ेगा। लेकिन भैया डैशबोर्ड ही इसका इतना ज़्यादा इंप्रेसिव है ना, खुश कर देगा। ये सनरूफ है थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फिर भी इससे बड़े सेगमेंट की गाड़ियों के हिसाब से है। और यहाँ पर अपना पूरा जो हेडरूम शोल्डर रूम है वो आप देखने वाले, पीछे दो लोगों के बैठने की स्पेस है तो दो लोग आएंगे इसमें, कहीं ना कहीं 4 सीटर गाड़ी होंडा भी इसको कह रहा है। और सीट बेल्ट आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टिंग फंक्शन अपने साथ दे रही है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर फंक्शनिंग वाली बात रही। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी आपकी ऑल होंडा ई। स्टार्टिंग में आपको चार्जिंग सेटअप और ये चीज़ें मैंने दिखाई दी, क्योंकि भैया वही थोड़ा सा इनोवेटिव है, और कहीं ना कहीं होंडा जब करता है ना अलग लेवल में जाके करता है, और बहुत सही चीज़
वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बताएगा जरूर कैसी लगी है गाड़ी। और कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए में ये जो आपके सामने 200 किलोमीटर की रेंज देने वाली, 219 किलोमीटर की रेंज देने वाली, करीब 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव करने वाली, 150 हॉर्स पावर की, 315 आरएम टॉर्क देने वाली एक सुपर स्मॉल कैपेसिटी की ये कॉम्पैक्ट कार इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कैसी लगी। कहीं ना कहीं इंडिया में भी टियागो को यही समझा जाता था, इंडिया में देखते हैं आपकी कॉमेट है, कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए वो भी टच करती है, फिर भी उसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लेकिन इस गाड़ी का जो डिज़ाइन, जो लुक है ना कहीं बल्कि बोल्ड ना होके भी फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस फील हो रहा है। तो यही खासियत है इस गाड़ी की। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा थोड़ा अगर आपको इसका बड़ा प्रोडक्ट देखना है तो कहीं ना कहीं होंडा ने अपने SUV अवतार का भी ई प्रोटोटाइप यहाँ पर शो करा है। ये गाड़ी तो फाइनल प्रोडक्शन में है तो आप चला सकते हैं इसको ईजिली, टेस्ट ड्राइव लेने आ जाइए। कहीं ना कहीं ये भाई बिक रही है 40 लाख रुपए की और वो अपने में बहुत बड़ी बात है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस देखिए तो 145 mm का है, 3800 मिलीमीटर लंबी बॉडी के साथ, और ये जो प्रोटोटाइप है एक साल में आपको मार्केट में दिखेगा। उसके अलावा जिसको कमर्शियल सेगमेंट के लिए चाहिए उनके पास कुछ ऐसे ऑप्शन है। बाकी गाड़ियाँ गाड़ियाँ भाई, होंडा है और अपनी ई टेक्नोलॉजी को अलग लेवल में ले जाके ये लोग ऐसे ऑप्शन दे रहे कमर्शियल में। बाकी जिसको इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी चाहिए तो होंडा यहाँ पर भी तैयार है। तो भैया जिसको थोड़ा सा ना एक होता है कि भाई होंडा एक्टिवा का कुछ इलेक्ट्रिक अवतार लाई है, जो PCX इनकी 150 cc की स्कूटर सेगमेंट है वहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है, तो उसको भी पास से देख लीजिए क्या सारे ऑप्शन दे रही है गाड़ी। बाकी डिज़ाइन फ्रंट तो PCX वाला ही है, लेकिन मेन कहानी हो जाती है कि सारे जो ऑप्शन फ्रंट है वो सारी चीज़ें अच्छे से लगेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर एक तरीके से यहाँ पर प्लेस कहाँ की गई है इसको एक बार देख लो। इसमें हब मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें सेपरेटली अलग से थोड़ा आगे करके और फिर पिनियन गियर डाल के वो सारे ऑप्शन बनाए गए। बाकी ऊपर का जो सारा कंसोल है ये तो अपना वही जो होंडा का अपना बेसिक PCX के साथ रहता है, और बीच में कोई स्पेस वो चीज़ें नहीं है। बाकी ये वीडियो उन सब तक पहुँचाइए जिसको ना कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का शौक है और कहीं ना कहीं होंडा पे ज़्यादा ही एक डिवोशन के साथ चलता है, तो ये वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएगा। बाकी यहाँ पर इसके स्विंग आर्म क्वालिटी कितनी ज़्यादा प्रीमियम है वो आप देख ही सकते हैं, PCX की ब्रांड के साथ गाड़ी है, और साथ ही साथ सीट और ये सारी चीज़ें देखी आपने। बाकी फिर यही रही आपकी ऑल न्यू PCX भी, और उसके साथ ही ये सारी जो होंडा SUV जो कि इस तरीके के अपने सारे एनिमेशन के साथ आपके सामने आई है, और ये सारी गाड़ी आपके सामने। उसके अलावा जो टोयोटा है वो सारी लाइनअप है वो तो अपने में भाई खास है ही, वो तो भाई बायो इथेनॉल पे भी काम कर रहे हैं तो वो तो अलग ही लेवल में जा रहे हैं। बाकी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको आपकी ऑल न्यू होंडा ई। ये भाई इसका कैमरा मॉड्यूल, इसमें टर्न सिग्नल का LED यहाँ पर दी गई है, साथ ही मेन कैमरा ये है, और इसका सबसे मेन बात ये है कि भाई इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है, बंदा अगर बैठ रहा है तो इस टाइप का आपको यहाँ पर फील होगा जो कि आप देखेंगे। हेडरूम शोल्डरूम में गाड़ी बिल्कुल पास, इस तरीके के शानदार से इंटीरियर और ये चीज़ें जो फंक्शन है सारे, लेन फंक्शन, ये फंक्शन, AC वेंट आप देखें इस तरीके से दिए गए और यहाँ पर सर बैठे हुए। उसके अलावा आप यहाँ पीछे देख लीजिए एक बार, और ये है भैया इसकी सेकंड सीट जिसमें दो लोग ईजिली आ जाएंगे। पीछे देखना लाइट का ऑप्शन भी ये आ गया है। बाकी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ज़रूर, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम गुड बाय।